हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द चैंपियंस पोर्टल, वंदे भारत मिशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टल चैंपियन लॉन्च्ड इन मे 2020। चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया इन द मंथ ऑफ मे 2020, उसका ऑब्जेक्टिव हमें बताना है। सो गाइस, दिस चैंपियन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इज हेडेड बाय नितिन गडकरी। हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नागपुर, द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, एंड दिस पोर्टल इज लॉन्च्ड फॉर मेकिंग द स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस, एनकरेजिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग। और जो चैंपियंस वर्ड है उसके लिए एक फुल फॉर्म भी है, और वो है कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये मॉडर्न आईसीटी को यूटिलाइज करते हुए इसमें एक नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, और अभी तक 66 स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स बनाए जा चुके हैं। और ये जो कंट्रोल रूम होंगे ये क्या करेंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे इन्फॉर्मेशन टू द इंडस्ट्रीज वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेट एंड टेलीफोन्स। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एनेबल है विद डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और इसको आगे चल के सीपी ग्राम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस सीपी ग्राम्स? इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस पे जाके कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंसेज को रिड्रेस करवा सकता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टल चैंपियन। सो गाइज, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द इंडियन एमएसएमईज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now next question, question number 2. In the first phase of Vande Bharat mission, Ministry of Civil Aviation operated 64 flights. How many flights will be operated in the second phase of the mission? So guys, this Vande Bharat mission was launched on 7th May by Ministry of Civil Aviation, headed by Hardeep Singh Puri. Hardeep Singh Puri is the Minister of Civil Aviation. Hardeep Singh Puri is the राज्यसभा एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ही इज द राज्यसभा एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड जो इसका फर्स्ट फेज था उसमें 12 कंट्रीज से 15,000 पीपल को इवैक्यूएट किया गया बाय 64 फ्लाइट्स, और जो कि 7 मई से लेकर 15 मई तक चलाया गया था। और जो इसका सेकंड फेज था वो 16 मई से 22 मई तक होगा, जिसमें 149 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी बाय एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया न्यू चेयरपर्सन इज मिस्टर राजीव बंसल, and Air India was nationalized in the year 1953. Air India is headquartered in New Delhi, and this Air India Express, it is headquartered in Kochi, and this is a subsidiary of Air India. Okay, and जो ये वंदे भारत मिशन था ये क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो हमारे भारतीय, कुछ भारतीय जो विदेशों में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, उनको वापस हमारे देश में बुलाया जा सके। तो जो सेकेंड फेज है उसमें 149 फ्लाइट ऑपरेट करी जाएंगी बाय Air India and Air India Express. So therefore the correct answer to this question is option C, 149. Option C, 149 is the correct answer. Now let's move on to question number 3. Consider the statements with respect to compendium of Indian technologies for combating COVID-19 launched by Ministry of Science and Technology headed by Dr. Harshvardhan. Which statements are not true? We have to find the incorrect statements about the compendium of Indian technologies for combating COVID-19. So let us first discuss about this compendium. So this compendium, it was prepared by National Research Development Corporation. This was launched in the year 1953 and it works under Ministry of Science and Technology. Okay, and this compendium carries information about 200 COVID-19 related Indian technologies. इसमें COVID-19 से related 200 Indian technologies के बारे में information है, including ongoing research activities, technologies available for commercialization, initiatives and efforts taken by the government of India. और ये जो compendium है इसको categorize किया गया है under 3 T's,
जो कि है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग। एंड मोस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, टेस्टेड एंड कैन हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स टू टेक द प्रोडक्ट टू मार्केट फास्टर एज दे डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। उनको दोबारा से री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसमें से बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसको ऑलरेडी ICMR ने अप्रूव कर दिया है। एंड जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था गाइज, वो बेसिकली था कि एक रेडी रेफरेंस की तरह सर्व करना फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, MSME, साइंटिस्ट एंड अदर्स। सो दिस कंपेंडियम, वी हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस कंपेंडियम। सो स्टेटमेंट वन इज इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज कैटेगराइज अंडर 4Ts। नो, इट इज नॉट कैटेगराइज अंडर 4Ts, इट इज कैटेगराइज अंडर 3Ts ऑफ ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, नॉट टेक्नोलॉजी। ओके, एंड इट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट 200 COVID-19 रिलेटेड इंडियन टेक्नोलॉजीज। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो देयरफॉर ऑप्शन बी Only 2 is the correct answer to this question. Now let's move on to question number 4. On 12th May 2020, focusing on a self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, PM Modi announced a 20 lakh crores economic package to bring about holistic reforms to reboot the economy. Which one of the following is not a pillar as per the call of the PM? So guys, आप सबने मोदी जी का जो संबोधन था वो जरूर सुना होगा। उसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया है जो कि हमारी GDP का लगभग कितना है, 10% है। जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इट इज अबाउट 10% ऑफ आवर कंट्रीज GDP। और जो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक पैकेज होगा, ये फोकस करेगा किसके ऊपर, सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भरता के ऊपर ये पूरा का पूरा फोकस करेगा। एंड इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट होलिस्टिक रिफॉर्म्स टू रीबूट द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को दोबारा से जागृत बनाने के लिए, दोबारा से जगाने के लिए, दोबारा से सही राह पे लाने के लिए इस इकोनॉमिक पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, इसके 5 पिलर्स मोदी जी ने बताए थे कि जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा उसके 5 पिलर्स हैं आज की तारीख में, और वो है इकोनॉमी। और जो इकोनॉमी है वो कैसी होनी चाहिए, वो क्वांटम जंप लेके आए, ना कि इंक्रीमेंटल चेंज, यानी कि धीरे धीरे चेंज नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में, एकदम से उछाल आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे देश की आइडेंटिटी बने। तीसरा था सिस्टम, इट शुड बी बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट। जो हमारा सिस्टम है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। जो हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्योंकि जो हमारा देश है उसमें जो एवरेज एज है लोगों की वो 30 से 35 के बीच में है। ज्यादातर सिटीजन इंडिया के 35 एज के हैं। तो जो हमारी डेमोग्राफी है वही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेन शुड बी यूटिलाइज्ड टू फुल कैपेसिटी। जो डिमांड एंड सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, उसके स्ट्रेंथ को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे पूरी कैपेसिटी के साथ, तभी हम अपने सेल्फ रिलायंस का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे, एज कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, सो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। नाउ इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है एज पर द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो ये रिफॉर्म्स है लाइक सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर, टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज करने की जरूरत है, लॉज हमारे सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल होना चाहिए, और एक बहुत अच्छा स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम हमें लाना पड़ेगा अपने देश के लिए अगर हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो। एंड दीज रिफॉर्म्स विल प्रमोट बिजनेस, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया है उससे उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो सेल्फ रिलायंट से सबसे पहली जो चीज होगी वो ये होगी कि हमारा जो मेक इन इंडिया स्कीम है और जो मेक इन इंडिया का जो सपना है वो स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा जो पैकेज है उसका जो फोकस है वो 4 चीजों के ऊपर थे, दैट इज लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस, इन 4 चीजों के ऊपर जो पैकेज है उसका मेन फोकस रहने वाला है। एंड इट विल कैटर टू वेरियस सेक्शंस इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, MSMEs, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। एंड जो पुअर और लेबरर्स और माइग्रेंट्स हैं उनकी एम्पावरिंग की बात भी की गई है इस पैकेज में। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन मोदी जी ने दिया था, दैट वाज वोकल फॉर लोकल एंड मेक देम ग्लोबल। और ये इसलिए दिया गया था ताकि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें और उनको ग्लोबल बनाने में मदद करें। ऑलराइट, पीएम अपील्स
इंडियंस टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्प दीज लोकल प्रोडक्ट्स बिकम ग्लोबल. सो वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल इज द स्लोगन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्प दीज लोकल प्रोडक्ट्स टू बिकम ग्लोबल. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिसेंट संबोधन में दिया था. इसके अलावा जो ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, जब इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो डिटेल है वो आ जाएगा, देन हम फिर एक दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर एज पर द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड सिस्टम, दीज फोर आर द पिलर्स. ऑप्शन ई, हेल्थ इज नॉट वन ऑफ द पिलर. और जो पांचवा है दैट इज व्हाट, डेमोग्राफी. सो दीज आर द 5 पिलर्स अगर हमें हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है तो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. कॉयर बोर्ड साइंस MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कॉयर एक्सक्लूसिवली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर नेचुरल फाइबर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉयर का मतलब होता है गाइस जो नारियल का बाहर वाला पोर्शन होता है उससे फाइबर्स बनाए जाते हैं, इस तरीके के इनको कॉयर बोलते हैं. इनको फिर प्रोसेस करके इस तरीके की रोप्स बनाई जाती हैं. एंड आपने देखा होगा इन रोप से फिर मैट्स भी बनाए जाते हैं. और इट्स कॉयर होता है नारियल के जो बाहर वाला पोर्शन होता है उससे बना हुआ फाइबर. सो कॉयर बोर्ड है उसने साइन किया MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कॉयर एक्सक्लूसिवली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर नेचुरल फाइबर. सो ये जो MOU साइन किया गया है, ये साइन किया गया विद IIT मद्रास. और इसमें जो कॉयर बोर्ड है हमारा वो 5 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. इसके अलावा जो कॉयर की बनी हुई जियो टेक्सटाइल्स होती हैं उनको यूज किया जा सकता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन स्लोप्स और एम्बैकमेंट्स और रिवर एम्बैकमेंट्स. एंड द इंस्टीट्यूट मतलब IIT मद्रास ने रिकमेंड किया है दैट द यूज ऑफ CGT मतलब कॉयर जियो टेक्सटाइल इन द लो वॉल्यूम रूरल रोड्स एज अ री इन्फोर्समेंट मटीरियल की तरह उसको यूज किया जा सकता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स. ऑलराइट, किसको, कोयर जियो टेक्सटाइल्स को. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज IIT मद्रास, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो MOU है ये कौन से इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है. सो ये IIT मद्रास के साथ किया गया है. ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. आई होप यू लाइक इट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.